नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। जीता की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रावण, जिसको लेके काफी ज्यादा क्रेज था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज भी क्लियर हो रही है कि भाई साहब रावण के जो मेकर्स है यानी कि एमएन राज, वो कहीं ना कहीं चंगेज की सक्सेस के बाद काफी ज्यादा खुश है। और यहाँ पे जीत भाई के साथ यहाँ पे इन्हों के एक जो है वो वीडियो भी आई है फेसबुक के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रावण मरता नहीं, क्या वो हर साल वापस आता है। तो इससे यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है और कहीं ना कहीं पैन इंडिया लेवल के ऊपर रावण 2 हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी यहाँ पे भाई साहब अंडरग्राउंड प्लानिंग हो रही है। और यहाँ पे जीत भाई की क्लिप भी आ चुकी है एमएन राज के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर, अगर आप चाहें तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट हो रही है और जिस तरीके से रावण का क्रेज है, तो भाई साहब हो सकता है कि एमएन राज यहाँ पे जो है वो एक ड्रामा शूट कर रहे हैं जिसका नाम है जन्नत, वो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद रावण 2 की शूटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चंगेज की सक्सेस के बाद मैं समझता हूं कि रावण जो है एक बहुत बड़ा मास्टरपीस हो सकती है, क्योंकि भाई साहब इस मूवी को भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। रावण बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मूवी थी और कहीं ना कहीं इस सक्सेस का भी फायदा उठाना चाहिए। और एमएन राज भी इस तरीके से यहां पे प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई साहब जीतता तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, क्यों ना इनको दोबारा से अपनी मूवी के अंदर उठाया जाए और यहाँ पे भाई साहब एक बार फिर से रावण को जिंदा किया जाए और यहाँ पे रावण को एक बार फिर से पैन लेवल के ऊपर लाया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई साहब जीतदा किस लेवल का एक्टर है। और कहीं ना कहीं बंगाली इंडस्ट्री के अंदर ये जो भाई साहब एमएन राज की डायरेक्शन और यहाँ पे जीत भाई की एक्टिंग अगर मिल जाती है तो भाई साहब इतना बड़ा धमाका होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रावण के अंदर आपने जिस तरीके से VFX देखे थे, जिस तरीके से उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्शन सीन्स देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं अगर ये पैन लेवल के ऊपर मूवी रावण 2 को रिलीज करते हैं और यहाँ पे रावण 2 को सामने ले आते हैं बंगाली इंडस्ट्री से, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा भोचाल आ सकता है। बाकी इस यहाँ पे पोस्ट को लेके और यहाँ पे राहुल भाई की इस अपडेट को लेके आपका क्या ओपिनियन है लिखिए कमेंट में। भाई को अगर सपोर्ट नहीं किया है, छोटी सी गुजारिश है भाई साहब, रिश्ता मजबूत हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट टाइम भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अपने ख्याल रखिएगा, हरे कृष्णा।